राजगढ़ में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां सारंगपुर और तलेन पुलिस पर एक व्यक्ति को विकलांग बनाने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर युवक को छत से फेंकने की बात कही है, साथ ही पुलिस के आलाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सारंगपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक मामले में तलेन और सारंगपुर की पुलिस टीम राजा नामक युवक को शक के आधार पर उसके घर पकड़ने गई थी। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान राजा को पुलिस ने छत से धकेल दिया, जिससे राजा का एक हाथ टूट गया और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। वहीं परिजनों ने इस मामले में टीआई की भूमिका और थाना स्टाफ की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रात के 2 बजे की बात थी, दो गाड़ी आई पुलिस की और हमारे मम्मी ने नीचे से दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के हमारे अंदर घर में घुस गया। घुसने के बाद में मैं ऊपर सो रहा था, मतलब मम्मी नीचे सो रही थी। उसके बाद में आने के बाद में ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। मैंने किया क्या साहब मेरा क्या कर सकते, बस कुछ भी नहीं बोलने लगे। उनकी बात कर निकालने लगे कि निकल। मेरे साहब क्या बात है तो बता, कुछ भी नहीं बताने लगे, बस मारा ठोकी करी मेरे साथ। मारा ठोकी के बाद में गैलरी में उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ। आज से 10-11 दिन की ये घटना है और इसमें इनका हाथ भी टूट चुका है, ऑपरेशन हुआ डाल डाली है और रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। डॉक्टर ने बोला कभी भी नहीं चल सकेंगे। हमने SP साहब के वहाँ भी आवेदन दिया है और अभी तक इसकी कोई इस बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है, ना हमें इंसाफ मिला। बस हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।